हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आए हैं हम, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं और ये क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और नर्वस मतलब क्या है? रिलेटेड टू नर्व। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है रिलेटेड टू नर्व होता है। ठीक है, ढेर सारी नर्व से मिलकर जो एक तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तंत्र सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। नर्वस सिस्टम रिलेटेड टू नर्व। अब नर्व क्या होता है? ठीक है, नर्व का यूनिट होता है क्या? न्यूरॉन। यूनिट क्या होता है इसका? न्यूरॉन होता है। ठीक है, नर्व का यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन होता है। मतलब कि ढेर सारे न्यूरॉन से मिलकर एक नर्व का क्या होता है? निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं? नर्व बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन एक प्रकार का क्या होता है? स्पेशल सेल होता है। ठीक है, स्पेशल सेल होता है, जिसको हम दूसरे नाम से नर्व सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल सेल क्या होता है और किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है, थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका आगे चलकर काफ़ी यूजफुल होगा इसलिए। ठीक है, तो स्पेशल सेल, ठीक है, जो न्यूरॉन होता है वो स्पेशल सेल होता है। स्पेशल सेल कौन से तीन कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी होती है? पहला, ठीक है, सेल बॉडी। दूसरा, डेंड्राइट्स। और तीसरा, एक्सॉन होता है। ठीक है, तो एक बार इसको हम फिगर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं कि किस पार्ट को डेंड्राइट्स कहते हैं और किस पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, ये फिगर बनाया है नॉर्मल से आप लोग को समझने के लिए। अब हम जानेंगे इसमें से किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन का नॉर्मल सा फिगर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, और बीच में इसके न्यूरॉन, बीच में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसके बीच में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको सेल बॉडी कहते हैं। तो न्यूरॉन आप लोग को क्लियर हो गया। अब आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का डेफिनेशन होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन हम आप लोग को लिख कर समझाएंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं? तो इसको इट्स कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी पार्ट इन रिस्पॉन्स। ये इसलिए लिख रहे हैं आप लोग को कि आराम से क्लियर हो सके। ठीक है, आप लोग को कुछ कंफ्यूजन ना रहे और आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टिमुलाई
बाई नर्व इम्पल्सेस। तो चलिए आते हैं, देखते हैं, ठीक है। इट्स कंट्रोल, ठीक है, इट्स कंट्रोल मतलब यह नियंत्रण या संतुलन, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मतलब सामंजस्य, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज जितनी भी क्रियाएं होती हैं ऑफ बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। इन रिस्पॉन्स उसके परिणाम स्वरूप टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल, आंतरिक और बाहरी स्टिमुलाई जो भी उद्दीपक या उत्तेजनाएं होती हैं बाई नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस के द्वारा उसको हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक बार और क्लियर करते हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस के द्वारा, ठीक है, बाहरी या आंतरिक जो भी उत्तेजनाएं होती हैं, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप हमारे बॉडी में, हमारे जो बॉडी का पार्ट्स है, जो भी क्रियाएं हैं उसकी, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करना, उनमें उनको कोऑर्डिनेट, सामंजस्य स्थापित करना और उनको संतुलन और उनको नियंत्रण करने वाली जो नर्व होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शन क्या क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के, तो इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्या करता है ये, कंट्रोल। कंट्रोल में क्या करता है, हमारी बॉडी पार्ट्स की जो भी, हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन हैं, ठीक है, उनका जो पार्ट है, उनका जो भी कार्य होता है उसको कंट्रोल करना हमारा नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी पार्ट्स की, जो भी बॉडी पार्ट्स की जो भी ऑर्गन है, ठीक है, जो भी उनकी एक्टिविटीज होती है, जो भी क्रियाएं होती है, उनमें सामंजस्य स्थापित करना, यह हम किसका काम होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, और भी इसका क्या काम होता है, ठीक है, सोचना और मेमोरी और इमोशन को कंट्रोल करना भी इसका क्या काम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल में जो भी हमारे विश्व में, जो भी आउटसाइड, ठीक है, वर्ल्ड में जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सेंस ऑर्गन के द्वारा, सेंस ऑर्गन कौन कौन से, आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन के द्वारा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये रखता है, ठीक है, इसका काम होता है। फिर नेक्स्ट है इंटरनल, इंटरनल में क्या है, हमारे बॉडी की जो भी इन्वायरमेंट है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर वगैरह हुआ, ठीक है, हमारी बॉडी की जितनी भी इंटरनली इन्वायरमेंट है उसको, उसकी भी इन्फॉर्मेशन ये क्या करता है, अपने पास रखता है, ठीक है। इतना आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट आते हैं पार्ट, ठीक है, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, टोटल कितने होते हैं नर्वस सिस्टम के पार्ट, टोटल 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, आपको हम लाइन डायग्राम के थ्रू बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से,
पहला ब्रेन, ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, ये पहला ब्रेन, नेक्स्ट दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट पेरिफेरल नर्व में क्या क्या आते हैं, पहला क्रैनियल नर्व जो टोटल 12 पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्पाइनल नर्व, ये टोटल 31 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक भी टू पार्ट्स में होता है, पहला सिंपैथेटिक, दूसरा पैरा सिंपैथेटिक। अब ये तो हो गए हम लोग के पार्ट्स, क्लियर, ठीक है। अब कौन पार्ट को क्या कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करता है कि इसकी जो नर्व होती हैं वो स्वयं पे क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मिलकर आकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, वो नर्व जिस पे हमारा कंट्रोलिंग पावर ना हो, ठीक है, उसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नीजिंग, जैसे छींक आना, ठीक है, और ब्लिंकिंग ऑफ आई, या फिर जैसे जमा ही लेते हैं, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला ब्रेन, ब्रेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व 12 पेयर्स में होती हैं, क्रैनियल नर्व, ठीक है, दूसरा स्पाइनल नर्व, ये 31 पेयर्स में होती हैं। फिर नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो सिंपैथेटिक होता है ये पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन और हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, जो सिंपैथेटिक होता है, ठीक है। पैरासिंपैथेटिक हार्ट बीट पल्स रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब नेक्स्ट जो भी इसके बारे में होगा हम डिटेल में, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है उसके बारे में बताएंगे, फिर नेक्स्ट उसी तरह आगे के पार्ट्स में बताते जाएंगे। अभी यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।